Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm an expert in the area of management and finance. Today, I'm going to discuss a very important element. As you already know, that your JIB exam is going to be conducted in the month of October. The dates you already know. So what I'm going to talk about in this particular video is, I'm going to tell you that how can you prepare better in the rest of the 2 months, 2 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं उसमें आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर जॉब. बिकॉज देर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि आप में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो होंगे, इनफैक्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स वो होंगे जो वर्किंग होंगे, ठीक है, किसी ना किसी बैंक में काम कर रहे होंगे. सो द टाइम दैट यू गेट इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन इज वेरी वेरी लेस. तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू कवर अप द एंटायर सिलेबस. एंड द सिलेबस इज वेरी ह्यूज, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, बट टेक्निकली 16 subjects in the form of 16 modules, ठीक है? So मैंने क्या किया है, मैंने rest of the 2 months जो अभी तक 2 महीने बचे हुए हैं, मुझे नहीं पता how are you preparing, पहले आप कैसे prepare कर रहे थे, कितना आपका syllabus already cover हो चुका है, but मैंने specifically ये ध्यान रखा है कि आप working aspirant हैं, and therefore मुझे पता है कि जो Monday का दिन है वो थोड़ा सा आप लोगों का hectic होता है, because Saturday and Sunday जो transactions होती हैं या बहुत सारे और जो काम होते हैं वो आपको Monday को handle करने होते हैं, ठीक है? So accordingly मैंने एक 2 month का planner बना के रखा हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप तैयारी कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे में. सो जल्दी से आगे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि क्या प्लानर है, प्लानर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कवर करनी है. तो सबसे पहले तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि 4 पेपर हैं आपके पास जेआईबी के एग्जाम के अंदर, ठीक है, और जो 4 पेपर्स की डेट है वो एज फॉलोज है, ठीक है, सामने लिखी हुई आपके. 8 अक्टूबर को आपका पहला एग्जाम है विच इज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ओके. 14 अक्टूबर को आपका सेकंड एग्जाम है विच इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग. 3rd एग्जाम इज ऑन 15th ऑफ अक्टूबर विच इज ऑफ द सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. द 4th एग्जाम एंड द लास्ट एग्जाम इज ऑन 29th ऑफ अक्टूबर विच इज ऑफ द सब्जेक्ट रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है. तो ये 4 सब्जेक्ट हैं. थोड़े टाइम के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि अभी तक आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी या बहुत ज्यादा सिलेबस को कवर नहीं कर पाए, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे के पूरे 2 महीने 1st अगस्त से लेकर अप्रोक्सीमेटली 30th सितंबर तक, ठीक है, 2 महीने का स्ट्रिक्ट प्लानर बना दिया है, स्ट्रिक्ट डे वाइज प्लानर बना दिया है, जहां पे मैंने आपको बताया कि आपको किस दिन कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, कौन सा मॉड्यूल कवर करना है और कौन सा टॉपिक कवर करना है, ठीक है. तो एक बार डिटेल में समझते हैं, और मैं साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपको कितना टाइम डेडिकेट करना है, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का ही टाइम बचा हुआ है, और मंडे क्योंकि आपका थोड़ा हेक्टिक होता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको वहां पे डिवोट करना पड़ता है, तो मैं मंडे अज्यूम करके चल रहा हूं कि मॉर्निंग और इवनिंग में आप अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे निकाल पाओगे, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाओगे. दैट इज गोइंग टू बी द अप्रोक्सीमेट टाइम. ट्यूजडे टू फ्राइडे आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 2 घंटे सुबह निकाल पाओगे, 2 घंटे शाम को निकाल पाओगे, तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 या 4 से 5 घंटे ही आपके पास होंगे, ठीक है. एंड सैटरडे संडे को भाई देखो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा 2 महीने एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ी सी सिंसेरिटी ज्यादा दिखानी पड़ेगी. तो सैटरडे एंड संडे को मैंने टारगेट किया है कि आप कम से कम कोशिश करिए कि 8 से 9 घंटे पढ़ लें. मुझे पता है कि आप थोड़े से टायर्ड भी होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नंबर ऑफ आवर्स मैंने नहीं दिए कि 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है. 8 से 9 घंटे ब्रेक्स ले लेके रेस्ट करते हुए आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज हाउ द टाइम फ्रेम हैज बीन डिवाइड. तो आई होप टाइमिंग आपको समझ में आ गई कि आपको कितना टाइम देना है. 2 महीने के लिए अप्रोक्सीमेटली ये टाइम आपको देना है, ठीक है. अब मैं आपको प्लानर समझा देता हूं कि मैंने कैसे प्लान किया है, हाउ आई डिवाइडेड योर इंटायर सिलेबस. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या दिख रहा है, आपको डेट दिख रही है और उसके सामने डेज मैंने जानबूझ के डाले हुए हैं, बिकॉज आपको आइडिया लगता रहे कि आपको किस दिन कितना टॉपिक कितने सारे सिलेबस को कवर करना है, ठीक है. सेकंड थर्ड कॉलम में क्या गिवन है, आपका सब्जेक्ट गिवन है अलोंग विद द मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल है साथ में, और सबसे लास्ट वाले कॉलम में आपके टॉपिक्स गिवन है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कवर. एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, लेट्स से कि आप 1st अगस्त से शुरू करते हो, बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को आज ही देखोगे, हो सकता है 1-2 दिन आपको टाइम लगेगा, ठीक है. सो लेट्स से 1st अगस्त को यू स्टार्ट, इट इज अ ट्यूजडे, ठीक है. उस दिन आप पेपर 1 का मॉड्यूल ए उठा रहे हो विच इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये 3 चैप्टर्स कवर करने हैं. अगर आप इस टाइम टेबल को बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत बारीक तरीके से देखोगे, तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आप जो भी कोर्स मटेरियल ले रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग विद सम सेल्फ स्टडी बुक्स, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टडी मटेरियल जो आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से परचेज कर रखा है, ठीक है, ब्रॉड आइडिया इज कि जो सिलेबस मैंने डिवाइड किया है, जो मैंने सब टॉपिक्स डिवाइड किया है, इट इज अ वेरी डूएबल सिलेबस. ऐसा नहीं है कि मैंने आंख बंद करके कुछ भी सिलेबस डाल दिया है जो पॉसिबल ना हो.
बस आपको यह करना है कि जितना टाइम मैंने आपको कहा है कि भाई 2 से 3 घंटे मंडे को, 3 से 4 घंटे ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे को, और सैटरडे और संडे को आपको 8 से 9 घंटे डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी जो मई में एग्जाम हुआ वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इनटू द आरबीआई एग्जाम जिसमें बहुत सारे बैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने शेयर किया हमसे कि सर पेपर का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एंड अगर जिनके भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम होगी थोड़ी बहुत भी, उनको एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा चैलेंज आ सकता है। एंड आप लोग ऑलरेडी वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कितना टाइम मिलता है और कितना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टडी डेली, बिकॉज जब आप 8-9 घंटे काम करके आते हो बैंक से तो इतना टाइम नहीं मिलता, आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, ठीक है, और इतना एफर्ट भी नहीं लगता, ठीक है। बट अगर सिस्टमैटिक वे में मूव करोगे तो आई थिंक सिलेबस भी कवर कर लोगे और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई हैव डिवाइडेड, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, मैं आपको लेके चलता हूं सैटरडे पे, ठीक है। सैटरडे को हमने क्या किया है, आपको थोड़े से सिलेबस ज्यादा दिया, ठीक है, तो ट्यूजडे टू फ्राइडे हमने आपको 3-3 चैप्टर दिए कवर करने के लिए, सैटरडे एंड संडे हमने आपको 5 चैप्टर दिए। यहां पे आप देख सकते हो 5th अगस्त को आपको पेपर 1 का मॉड्यूल बी कवर करना है, विच इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, तो यहां पे 5 चैप्टर दिए हुए हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली सैटरडे एंड संडे का जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट 8-9 घंटे में उसको आराम से कवर किया जा सकता है, ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू, ओके। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, सेम गोज फॉर संडे ऑल्सो। मंडे में आपको दिखाना चाहता हूं, बिकॉज मंडे मैंने आपको एश्योर किया था कि मंडे में आपका सिलेबस कम रखेंगे, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 7th अगस्त को मंडे है, पेपर 1 मॉड्यूल सी इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, और सिलेबस बहुत ही कम रखा है हमने आपके पास, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934 एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ 2 टॉपिक कवर करने, 1 टॉपिक आप मॉर्निंग में कवर कर सकते हो और 1 टॉपिक आप शाम को बैंक से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके कवर कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली पूरी की पूरी पीडीएफ इसी तरीके से डिवाइडेड है कि मंडे को थोड़ा सा कम सिलेबस है और सैटरडे संडे को थोड़ा सा ज्यादा है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो आप जैसे ऐसे मॉड्यूल्स कवर करते जा रहे हो आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाते जाओ। आई एम श्योर आपने कोई ना कोई मार्केट से बुक जरूर परचेज करी होगी, तो आप उससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करते हुए जाओगे तो आपको क्लैरिटी भी होती रहेगी कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने टॉपिक पढ़ा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, आप ये चैप्टर वाइज भी कर सकते हो और आप इसको मॉड्यूल वाइज भी कर सकते हो। लेट्स से फर्स्ट मॉड्यूल खत्म करने के बाद आपने आधा दिन निकाल के या कुछ घंटे निकाल के आपने मॉक्स लगाने शुरू किए, लेट्स से प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने शुरू किए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जितना भी मॉड्यूल अभी तक आपने पढ़ा है, जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है, वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमने टॉपिक्स पढ़ लिए, हमें कंसेप्ट समझ में आ गए, बट जब हम क्वेश्चंस लगाने जाते हैं तो वो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते। सो डू नॉट पाइल इट कि मैं बिल्कुल लास्ट में प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस, जैसे ही एक मॉड्यूल हो जाता है यू कैन गो फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके लिए हमने आपको प्लानर के अंदर भी इनफ स्पेस दे रखा है जो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट थे तो हमने 2 महीने के अंदर 15-15 दिन में ब्रेक किया हुआ है कि 15 दिन में आपको 1 सब्जेक्ट कवर करना है और 15 दिन में आपको दूसरा सब्जेक्ट कवर करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने फर्स्ट से शुरू किया था, यू ऑलरेडी नो दैट कि हमने 1st अगस्त से शुरू किया था, तो जैसे ही 15 दिन हो जाते, आई एम शोइंग यू, मैं दिखा देता हूं, बाकी तो आपको पता ही है, आप यहां पे देख सकते हो कि 15th ऑफ अगस्त, ये 15th ऑफ अगस्त है, ट्यूसडे का दिन है, पेपर 1 मतलब यहां पे आपके सारे मॉड्यूल्स जो चारों के चार मॉड्यूल्स हैं पेपर 1 में थे वो कवर अप हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, एक पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है अलॉन्ग विद एनालिसिस। अब जब मैं यहां पे एनालिसिस लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, एनालिसिस ये है कि जब आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको सिर्फ आंसर्स नहीं चेक करने होते कि अच्छा ठीक है 100 क्वेश्चंस थे मेरे, इसमें से 60 क्वेश्चन सही हो गए, आपको ये भी देखना होता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जहां पे आप गलती कर रहे हो, क्या वो टॉपिक्स आपने पढ़ नहीं रखे हैं, क्या वो टॉपिक्स आपने रिवाइज नहीं कर रखे हैं, या फिर आपने पढ़ा तो था अच्छे से बट ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने उन क्वेश्चंस को गलत कर दिया। तो प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, 2 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट देना और फिर कम से कम 1 से 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। सो वो आप कर सकते हैं क्योंकि उस दिन और कोई काम आपको नहीं दिया हुआ, आपके पास सिर्फ एक काम है, दैट इज मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपका सिलेबस को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मैं आपको आगे लेके चलता हूं, तो हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 15 दिन बाद आपका मॉड्यूल 2 भी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो लेट्स सी कंप्लीट हो रहा है कि नहीं. यस yes. तो 2 सितंबर को अगर आप यहां पे देखो 2 सितंबर को आपका जो पेपर 2 है दैट गेट्स ओवर. कौन सा दिन है? सैटरडे का दिन है. पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है और यहां पे आप मॉक टेस्ट और एनालिसिस कर सकते हो. यहां पे भी मैं आपसे यही कहूंगा कोशिश करिएगा कि 2 मॉक टेस्ट आप लगाइए और उसको प्रॉपरली एनालाइज करिए. ठीक है. सो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर हमारे 2 पेपर यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं. सितंबर का मंथ शुरू हो चुका है बट आपको पूरे मंथ डेडिकेशन दिखानी होगी अदरवाइज आपका सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा. ठीक है. और आपको मैं ये भी जानकारी दे देता हूं कि जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है इसमें जो चैप्टर्स का वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा है. फॉर एग्जांपल पेपर 1 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 45 चैप्टर्स हैं. पेपर 2 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 55 चैप्टर्स हैं. ठीक है. तो कुल मिला के आपको नजर आ ही रहा है कि भाई 100 चैप्टर्स हो गए और जो पेपर 3 और पेपर 4 है उसमें रिस्पेक्टिवली 30 और 35 चैप्टर्स है. ठीक है. तो इसका मतलब पेपर 1 और 2 में चैप्टर ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, इनरिस्पेक्टिव की सबका वेटेज बराबर है. ठीक है. सो इसलिए आपको पेपर 3 और 4 करने में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली द सिलेबस हैज बीन डिजाइन. तो यहां पे आप देख सकते हो कि 14 सितंबर को थर्सडे का दिन है, पेपर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है और हमने यहां पे आपको टाइम दिया हुआ है मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस करने का. ठीक है. देखो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको पेपर 3 ज्यादा आसान लगता है, पेपर 4 ज्यादा आसान लगता है तो आप उसको पहले कवर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. द बेसिक आइडिया इज डे वाइज डिवाइड करने का बेसिक पर्पस क्या है कि आपको एक टारगेट मिलता रहे. अगर आप बिना टारगेट बनाए, बिना विजन बनाए कि भाई कितने दिन में मुझे कवर करना है, अगर आप रैंडमली पढ़ना शुरू करोगे तो आप कभी भी सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर. ठीक है. तो ये गलती आपको नहीं करनी है. ठीक है. तो 14 सितंबर को अप्रोक्सीमेटली हमारा पेपर 3 कंप्लीट हो गया. ठीक है. लेट्स मूव टू द फोर्थ पेपर नाउ. चौथे पेपर पे चलते हैं. अब आप 14 सितंबर के बाद से यू आर वर्किंग ऑन द फोर्थ पेपर नाउ. ठीक है. अब 24 सितंबर को, क्योंकि सिलेबस कब है मैंने आपको बताया इसके अंदर पेपर 4 के अंदर, तो 24 सितंबर विच इज संडे यहां पे आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है और यहां पे हम आपको टाइम देते हैं मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस का. ठीक है. तो आपने चारों पेपर को बारीकी से पढ़ा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा. ठीक है. प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहे आप साथ में एंड फाइनली जैसे ही वो सब्जेक्ट खत्म हो गया जिसमें 15 दिन में खत्म करना है हमें, आपने उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाए और उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया. ठीक है. तो टेक्निकली अगर आप इस टारगेट को लेकर चलते हो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 24 सितंबर तक आपका सिलेबस हो जाएगा. आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, थ्रू आउट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा बट जो टारगेट्स हैं वो बहुत अचीवेबल लेवल के हैं. ठीक है. अब बात करते हैं कि आपको 24 सितंबर के बाद क्या करना है. भाई देखो थक गए होगे तो 25 सितंबर को हमने आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया. ऑल्सो मंडे को इसलिए सिलेबस कम रखा गया है ताकि आप मंडे को भी थोड़ा सा ब्रेक ले सको. ठीक है. दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड हियर. अब उसके आगे चलते हैं. 26th और 27th सितंबर 2 दिन आप लगा के रिवीजन कर सकते हो पेपर 2 का. ठीक है. रीजन है कि हमने पेपर 2 का रिवीजन यहां पे रखा है क्योंकि पेपर 2 का जो सिलेबस है वो ज्यादा है. ठीक है. इसलिए उसको यहां से यहां पे रखा हुआ है. 28th सितंबर और 29th सितंबर को आप पेपर 3 का रिवीजन कर सकते हो. ठीक है. जिसका सिलेबस काफी कम है. ठीक है. 30th सितंबर को एक बार 2 पेपर के रिवीजन हो गए, आप फिर से मॉक टेस्ट लगा सकते हो कंबाइंड पेपर 2 एंड 3 के. कंबाइंड मतलब क्या होगा, एक पेपर 2 का लगा लीजिए और एक पेपर 3 का लगा लीजिए और उसको साथ साथ एनालाइज कर लीजिए. ठीक है. वैसे भी सैटरडे का दिन है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. ठीक है. इसके बाद आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को आपको पेपर 4 रिवाइज करना है. ठीक है. एग्जाम तो बहुत लेट है बट अभी रिवीजन करने की जरूरत है वरना आप सारा का सारा भूल जाओ. ठीक है. एंड 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को आपको पेपर 1 रिवाइज कर लेना है और 5 अक्टूबर को आपको मॉक टेस्ट लगा लेना है फॉर पेपर 4 एज वेल एज पेपर 1. तो इससे हो क्या रहा है, अगर आप सिस्टमैटिकली देखो, पहले हमने सारा सिलेबस कवर किया, फिर हमने मॉक टेस्ट लगाए. मॉक टेस्ट लगवाने के बाद हमने 2 दिन का टाइम लिया और हमने उस सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करी. एक बार हमारा सिलेबस हो गया उसके बाद हम दोबारा मॉक टेस्ट लगाते हैं. ठीक है. ये देखने के लिए कि जो भी हम रिविजन कर रहे हैं क्या हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं. कई बार क्या होता है कि हमने 2 महीने पहले कोई चीज पढ़ी हुई है, उसके बाद अगर हम रिविजन नहीं करते तो हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे मॉक टेस्ट. इसीलिए लगातार आपको 15-15 दिन के गैप पे हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करो, उससे आपका रिवीजन होता रहता है. ठीक है. रिवर्स इंजीनियरिंग का वर्ड आपने जरूर सुना होगा. रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस के बेसिस पे ये इवैल्यूएट करते हो दैट वेदर आई एम एबल टू रिकॉल द क्वेश्चंस और नॉट, वेदर आई एम एबल टू रिकॉल द टॉपिक्स और नॉट. तो एग्जैक्टली उस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखे इस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया गया. ठीक है. 5 अक्टूबर को बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी खत्म हो जाती है. उसके बाद 6-7 2 दिन का टाइम है, 2 दिन आप थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हो और 8th को जो एग्जाम है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का उसके लिए आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. एक बार पहला एग्जाम हो जाता है उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम आएंगे उसके बीच में आप रिविजन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जो 2nd और 3rd एग्जाम है
वो 14th और 15th अक्टूबर को बैक टू बैक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो बीच में एक हफ्ते का टाइम है, आई एम श्योर उसमें आप ब्रेक ले सकते हो, छुट्टी ले सकते हो अगर आपको मिल जाती बैंक से, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है सरप्लस लीव्स, तो उस बीच में आप छुट्टी ले सकते हो और आप दोनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 15 के बाद डायरेक्टली जो एग्जाम है वो 29th को है, जिसमें काफी लंबा गैप है, अप्रॉक्सिमेटली 2 हफ्ते का गैप है, उसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उसमें आपको सिर्फ लास्ट पेपर 4th पेपर को रिवाइज करना है और साथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारी तरफ से, जिसमें हमने कोशिश करी है कि हमने आपको 2 महीने का बिल्कुल डिटेल्ड प्लानर दे दिया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस दिन कौन सा टॉपिक कवर करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि हमने उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको मंडे को काम कम दिया है और सैटरडे संडे को काम ज्यादा, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो, यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वील कीप कमिंग अप विद वेरियस इंपॉर्टेंट वीडियोज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड विद रिस्पेक्ट टू GIB एग्जाम, ठीक है। That was all. Take very good care of yourself. All the very best. Thank you.